पत्रकार मित्रों, लोकसभा चुनाव के बाद 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, 13 तारीख तक 4 दिन हमने अपने सभी, पहले दिन तो प्रत्याशियों की और मंडल प्रभारियों की समीक्षा बैठक की, और फिर उसके दूसरे दिन जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की बैठक करी, उसमें भी समीक्षा करी। तीसरे दिन हमने सभी जितने भी हमारे प्रकोष्ठ थे उन्हें बुला करके समीक्षा हुई, और फिर चौथे दिन प्रदेश कार्यकारी की बैठक बुला करके हमने पूरे प्रदेश के सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, तो लगातार हमारी 4 दिन मैराथन समीक्षा चली। और उस मैराथन समीक्षा में जो भी निष्कर्ष निकला है उसमें हमने तय किया है, हमारे सभी पदाधिकारियों ने तय किया है कि हमें 2022 का चुनाव हमें लड़ना है, और इस तरीके से हमें संगठन को मजबूत संगठन बना करके, प्रदेश संगठन, जिला स्तर का संगठन और बूथ स्तर का संगठन, कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बनाए। और जो भी अभी चर्चाएं चल रही हैं कि विलय होगा और ये होगा, तो उस पर तो बिल्कुल विराम लग जाना चाहिए। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चाबी का चुनाव चिन्ह रहेगा, और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। ये निष्कर्ष निकला है इस मैराथन समीक्षा बैठक में। और दूसरी बात यह है कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं इस समय, जनता के जितने भी इशू हैं, चाहे किसान का इशू हो और चाहे लाइन ऑर्डर का, जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए बच्चों के भी, बेटियों की भी जो हत्याएं हो रही हैं, और खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। लगातार हत्याएं हो रही हैं खासकर पिछड़े लोगों पर, उस पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो रही है, देखिए भले हमारा मानना भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन नौकरशाही ऐसी कमरों में बैठ करके कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही, केवल भ्रष्टाचार। प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बहुत बढ़ते ही चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जितने भी चाहे मंत्री हों, योगी जी को छोड़ करके चाहे मंत्री हों और चाहे नौकरशाही हो, केवल ऐसी कमरों में बैठ करके न तो भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है, और भ्रष्टाचार बढ़ते ही चला जा रहा है। थानों की, तहसीलों की और जिलों में वो स्थिति है, बिना पैसे दिए रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है। तो ये दिक्कतें हैं जिलों में, इसलिए हमारे ने सभी कार्यकर्ताओं ने जितने भी जनता के इशू होंगे, चाहे किसान का, चाहे बेईमानी का, चाहे झूठे मुकदमे, आपने देखा कि आगरे में
दीवानी परिसर में बार काउंसिल का अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या, और इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे होंगे व्हाट्सएप पे कितनी हत्याएं लगातार हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन पर रोक लगना चाहिए, इन पर रोक लगना चाहिए, नहीं तो फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर निकलेगी और सड़कों पर निकल करके आंदोलन करने पर मजबूर होगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हाँ, अब यह हमारी पार्टी तय करेगी, अभी हमने 2022 का तय किया है, अभी 2022 का तय किया है, और 2022 में हमारा अभी हम 12 से या 13 जितने भी चुनाव होंगे उसमें सरकार तो हम बना नहीं लेंगे। हमारा केवल लक्ष्य है अब की 2022 में सरकार बनाने। देखिए अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, न किसी का प्रस्ताव आया है, हैं? किसी का प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया, लेकिन हमारी तैयारी है, मैं 2022 में अभी अकेले चुनाव लड़ेंगे अभी तक, फिर जैसी परिस्थितियां बनेंगी उस पर हमारे पार्टी है, हम अकेले निर्णय नहीं लेंगे, हमारा बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, हमारे सीनियर लीडर हैं, जब जैसी परिस्थिति होगी उस पर हम बैठ कर के विचार करेंगे, आज सब थोड़े निर्णय हम ले लेंगे, आज तो हमने केवल अभी लक्ष्य बनाया है 2022, और 2022 में हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अकेले सरकार बनाने का हम लोगों ने तय किया है। देखिए अभी हमारे पास बहुत से सीनियर लीडर्स हैं, बहुत से जनता के लोग हमसे बात भी कर रहे हैं, और हमारे संपर्क में आ भी रहे हैं, लेकिन हम अभी किसी के से विलय वाली बात नहीं है, जो चल रही है अभी अखबारों में भी चल रही है, प्रिंट मीडिया पर भी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं, हम कहीं पर भी किसी से विलय करने नहीं जा रहे हैं और न करेंगे, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। तो दरवाजे खुले हैं, देखिए अभी नेताजी की थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं है। हमसे तो नहीं हुई, आपसे हुई हो तो बता दो, हमसे तो नहीं हुई। क्या पार्टी से गठबंधन होने की कोई संभावना है? देखिए हमारे पास कहीं कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया, और मैंने कितने बार पूछोगे, मैंने कहा कि विलय मुझे नहीं करना है, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, चाबी चुनाव चिन्ह रहेगा, और हमने तय किया है कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार बनाए। बात विलय की नहीं, बात गठबंधन की है, गठबंधन। देखिए गठबंधन का जब चुनाव आएंगे, तब हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, पार्टी है, हम अकेले निर्णय नहीं कर सकते, तब इस बात को रखेंगे भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अभी क्या फैसला ले लें, कुआ खोदा नहीं मगर पहले कूद पड़े।
देखिए अभी हमारी केवल 3 महीने की पार्टी थी और चुनाव से 1 महीना पहले हमें चुनाव चिन्ह चाबी मिला था। तब भी मैंने देखिए 11 प्रदेशों में चुनाव लड़ाया और उत्तर प्रदेश में तो देखिए हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हर अधिकांश हर बूथ पर वोट 3 महीने में हमें मिला, हर बूथ पर मिला। अब उन्हें पूछिए जो सभासद पुरानी पार्टियाँ थी, बहुत पुरानी पार्टियाँ थीं, हमारी तो केवल 3 महीने की और 1 महीना पहले चुनाव चिन्ह मिला, 1 महीना पहले, 1 महीना। तो 1 महीने में देखिए हमारे संगठन और 4 दिन मैराथन जो ही है आप देख ही रहे होंगे, हमारे पास अब इतना संगठन है, इतना अच्छा संगठन है। देखिए 2022 में और पार्टियां तो देख ही लिया हालत उनकी, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का हाल देख लिया और पार्टियों का हाल देख लिया है, 25-25 साल 30-30 साल पुरानी। मुझे कोई गम नहीं, हमारे लोग लड़े तो लड़े हैं और फिर लड़ेंगे मैदान में और हम बहुत आनंद में। मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि बस आनंद से रहिए, खूब मेहनत करिए, हर बूथ पर करिए और जनता की जितनी भी इशू हैं। अब वो जाने हमें तो पता नहीं है। आपने भाजपा को वोट ट्रांसफर करा दिया, नहीं गठबंधन तोड़ने का उन्होंने बहाना आपको कब? अच्छा देखिए अब ताकत तो हमारी पहचान ली, ताकत पहचान ली, हमारी ताकत तो पहचान ली इतने। देखिए अब हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगत समाजवादी पार्टी से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, तो उसका हाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अब यह मुझे क्या पता है, उसकी समीक्षा हमने थोड़ी कर, हमने अपनी समीक्षा करी है। देखिए वहाँ पर तो मैंने प्रत्याशी लड़ाई भी नहीं, हमारे प्रत्याशी लड़े कहाँ थे, कन्नौज में हमारा प्रत्याशी लड़ा नहीं, मैनपुरी में हमारा प्रत्याशी लड़ा नहीं, बदायूं में हमारा लड़ा नहीं, अकेले हम फिरोजाबाद में हम फुल लड़े थे, तो फिरोजाबाद का हाल पूछो तो हम बता दें। देखिए अब हमारी ताकत को सबको पता चल गया है, हमारी ताकत का पता चल गया। पहले तो मैंने उनसे भी कहा था कि भी गठबंधन में हमें शामिल कर लो, तब तो फिर किया नहीं, करना चाहिए था, तब तो किया नहीं, अब किया नहीं तो परिणाम ठीक नहीं आए तो मैं क्या उसके जिम्मेदार हम थोड़े अगर मुझे शामिल कर लेते तो परिणाम दूसरे ही होते हैं, तो भूल का प्रायश्चित तो करना चाहिए, बता देना हमको भूल का प्रायश्चित कर लो। चलिए वो बातें अब छोड़िए, वो बातें हो गई। धन्यवाद।